ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। इन दिस लेक्चर वी कंटिन्यू ओवर द मैकलस्की मेथड दैट वी स्टार्ट इन द प्रीवियस लेक्चर। ये वैसे तो आपका नेक्स्ट कंटेंट में नेक्स्ट वीक में आ रहा है, टेबुलर मिनिमाइजेशन के नाम से जो है, इसको टेबुलर मिनिमाइजेशन भी कहते हैं, यानी टेबुलर फॉर्म में ये इसको हम सोल्व करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, इस वजह से इसको टेबुलर फॉर्म का भी नाम दिया गया है, क्वीन मैक्स क्लस के मैथड जो है इसमें। अब पिछली दफ़ा हमने एक सिंपल एग्जाम्पल की थी, आज हम विद डोंट केयर कंडीशन के साथ भी करेंगे, ठीक है। डोंट केयर का मतलब होता है कि उसके ना होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, हो तो कभी कभी वो हमें बेनिफिशियल भी होता है, अगर ना हो तो इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम के मैप के थ्रू इसको सोल्व किया था, तो इसकी एक एग्जाम्पल जी सामने ली हुई है, फोर वेरिएबल्स की ए बी सी डी, जिसमें इनपुट्स थी 0, 1, 5, 9, 4, 2, 15 प्लस डोंट केयर जो है वो हमारे पास 13 और 16 है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं कि कुछ नंबर्स की हमने बाइनरी ली हुई है 0, 1, 5, ये तो वैसे सब सब की बाइनरी है इसको, और 13 और 6 की भी साथ हमने बाइनरी ले ली हुई है, ठीक है। इन नंबर्स की बाइनरी हमने ले ली है। ये जो ऊपर 1, 2, 4, 8 है, इनको फाइंड आउट करने का मेथड होता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का, चेक करने का, कि जैसे लेट सपोज 1, 2, 4, 8 है, ये 0 है, अब नेक्स्ट में 1 है तो 1 है, ये से अगर 2 है तो 1, 2, बाकी सारे 0 वाले 0 हो जाएंगे, 2 है। तो ये सारी हमने डेसिमल में कन्वर्जन के लिए ये दी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं भी होती लिखनी, लेकिन फिर भी हमने बाइनरी नंबर्स में कन्वर्जन, ताकि हम नंबर ऑफ बिट्स हमें किसी को नहीं भी पता यहाँ पे, तो वो इसको समझ ले और किस तरह लिख ले। अब ये सारी बाइनरी नंबर जैसे 4, 5 की 0, 1, 0, 1, 6 की है 0, 1, 1, 0 और 9 की आगे है बाइनरी 1, 0, 0, 1, उसके बाद 13 की बाइनरी है 1, 1, 0, 1 एंड 15 की बाइनरी है 1, 1, 1, 1, क्लियर। अब हमने क्या करना है, सेम वही मेथड जिस तरह हमने लास्ट टाइम इनकी पहले क्या की थी, ग्रुपिंग की थी, मेन टर्म्स और वेरिएबल्स फाइंड आउट किए थे उस तरह ग्रुपिंग करेंगे इन सब की, और साथ डोंट केयर वगैरह को भी हम इंक्लूड करेंगे। डोंट केयर का फ़ायदा कहाँ होता है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप पे होगा। ये जो मेथड है इसमें हमने लास्ट टाइम सिर्फ फाइंड आउट कर लिया था एंड पे प्राइम इम्प्लीकेशंस तक, तो अभी हम इसको कंप्लीट एक एग्जांपल के साथ विद डोंट के साथ सोल्व करेंगे। अब ये देखें स्टेप वन में ग्रुप मिन टर्म वेरिएबल जिस तरह हमने लिए थे लास्ट टाइम, मैंने आपको दिखाया था सोल्व करके। अब ये देखें कि इस तरह ग्रुप वन में हमने सबसे पहले जीरो ग्रुप लेना है, वो ग्रुप ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें क्या हो कि सिर्फ नंबर ऑफ जो जीरोज हैं ऑल जीरोज हों, ठीक है। वेरिएबल्स आ गए हमारे पास ऑल नंबर जीरोज हों, जीरो ग्रुप में क्या है ऑल नंबर जीरो हो, कोई भी नंबर ऑफ वन जो है वो जीरो हो, कोई भी इसमें नंबर ऑफ वन ना हो, क्लियर। अब इन देखें इनमें सिर्फ एक जीरो ही एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई भी वन नहीं है, उसमें ऑल जीरोज हैं, ठीक है। जीरो जो है वो ऐसी टर्म है जहाँ पे सिर्फ जीरो है, ऑल जीरोज हैं, तो इसके अलावा और कोई भी कहीं भी ऐसी टर्म नहीं है जहाँ पे नंबर ऑफ ऑल नंबर ऑफ वन जीरोज हों, कोई भी वन इंक्लूड ना हो, बाकी सब में कहीं ना कहीं वन इंक्लूड है, देख लें। उसके बाद हमने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाना है, ग्रुप वन, ठीक है। ग्रुप वन में हमने देखना है कि ऐसे टर्म लिखने हैं जिसमें सिर्फ एक वन हो। अब ये देखें कौन कौन से बाइनरी नंबर्स हैं, अब वन ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, पहले तो वन है 001, 0001, उसमें एक ही वन है तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद टू है, टू में भी एक ही वन है, उसकी बाइनरी है 0010, तो वो हम लिखेंगे, उसमें सिर्फ एक ही नंबर ऑफ वन है। उसके बाद है फोर, फोर में नंबर ऑफ वन एक ही है 0100, ये हमने लिख ली बाइनरी 1, 2 की भी और फोर की भी, ठीक है। इसके बाद टू की भी लिख ली बाइनरी जो हमारे पास इनपुट थी, ये हमने इनपुट से भी मैच करना कि जो हमने हमारे पास इनपुट्स हैं वहीं लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद फोर की बाइनरी मैच कर ली, फोर की बाइनरी में 0100 है, सिर्फ एक ही नंबर ऑफ वन है, इसके अलावा और किसी में भी नंबर ऑफ वन एक से एक नहीं है, यानी एक से ज़्यादा है, ठीक है। फाइव में भी, सिक्स में भी, नाइन में भी, 13 में भी, 15 में भी। तो हमने अब जाना है नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, ग्रुप टू। ग्रुप टू में हमने वो लिखने हैं जहाँ पे नंबर ऑफ जो टू हैं, नंबर ऑफ वन जो हैं वो दो होंगे, जिन
बिट्स में नंबर ऑफ जो बिट्स हमारे दो बिट्स ऐसी होंगी जहाँ पे नंबर ऑफ वन दो होंगे तो सिर्फ वही लिखेंगे। अब फाइव देखें, फाइव ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ वन जो हैं वो दो हैं, 0101। इसके अलावा सिक्स भी है 0110, वो आएगी। उसके बाद नाइन है 1001, वो आएगी, उसमें भी दो ही नंबर ऑफ वन हैं। इसके बाद 13 है और 15 है, उसमें नंबर ऑफ वन जो हैं वो दो नहीं है, इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वन दो से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ग्रुप थ्री, थ्री ग्रुप में हमने वो लिख रहे हैं जो नंबर ऑफ जिसमें वंस जो हैं हमारे तीन हो, तीन से ज़्यादा नंबर ऑफ वंस ना हो, ना तीन से कम हो ना ज़्यादा हो। तब उसमें 13 ऐसा नंबर है जिसमें नंबर ऑफ वंस थ्री हैं। क्लियर, 13 ऐसा नंबर है जिसमें नंबर ऑफ वंस क्या हैं, थ्री हैं, इस वजह से हम नंबर ऑफ वंस थ्री लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप फोर बनाएंगे जिसमें सिर्फ 15 होगा, जिसमें नंबर ऑफ वंस हमारे होंगे फोर होंगे। ठीक है, अब हमने ये ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुपिंग के बाद हमने करना है मैच पेयर। हमने मैच पेयर, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल वन में जो हमने की थी मैच पेयर किया था। मैच पेयर में क्या करना है, हमने डिफरेंट ग्रुप्स को मैच करना है। अभी देखें उसमें क्या होगा कि अब हमने पेयरिंग करनी है पहले ग्रुप मैच पेयर और वेरिएबल्स। ज़ीरो को ग्रुप वन जो है हमने मिन टर्म्स को मैच करना है, ज़ीरो को जो ग्रुप है ज़ीरो को पहले वन से कंपेयर करेंगे, फिर ज़ीरो को टू से कंपेयर करेंगे, ज़ीरो को फोर से कंपेयर करेंगे। इस मैचिंग में हमने ये लिखना है कि एक नंबर ऑफ बिट सेम हो, सॉरी एक नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो, अदरवाइज बाकी सारी बिट्स डिफरेंट सेम हो। जो बिट्स चेंज होगी वहाँ पर हमने डैश लगा देना। अब ज़ीरो वन है, ज़ीरो की बाइनरी है 0 0 0 और 1, इन दोनों का पेयर सेम, इन दोनों का पेयर बनेगा क्योंकि इसमें इनकी बाइनरी में सिर्फ एक बिट चेंज है लास्ट वाली 0 1, तो वहाँ पे हमने डैश लगा दी, बाकी लिख दिया। उसके बाद 0 2 भी मैच करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, सिर्फ एक बिट चेंज होगी 0 2 में, 0 2 में भी सिर्फ एक बिट चेंज होगी, सिर्फ वो जो 0 0 0 0 है टू में क्या है 0 0 1 0, सिर्फ 0 और 1 बिट चेंज है, तो उसमें क्या हम लिख देंगे 0 0 -0। ठीक है, तो हमारे पास एक बिट चेंज है तो हम उसमें 0 0 -0 लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट बिट है 4 वाली, 0 और 4 के साथ कंपेयर करेंगे, उसमें भी सिर्फ हमारे पास एक ही बिट चेंज है, 0000 की बाइनरी है, 4 की बाइनरी 0100, तो इसमें भी सिर्फ सेकंड बिट जो है वो हमारी चेंज है, बाकी सारी बिट सेम है, तो इसमें हमारे पास इसकी भी पेयरिंग बनेगी, तो 0 1 की पेयरिंग होगी हमारी, 0 2 की पेयरिंग होगी हमारी इसमें, और 0 4 की पेयरिंग होगी, और जो बिट चेंज है वहाँ पर हमने डैश लगा दी। क्लियर, अब उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट में ग्रुप टू, ग्रुप टू में हमने क्या करना है, अब वन को फाइव से कंपेयर करना है पहले, उसकी ग्रुपिंग करनी है। वन की क्या बाइनरी है 0001 और फाइव की बाइनरी है 0101। अब उसमें सिर्फ एक ही बिट चेंज है, सेकंड बिट चेंज है, सिर्फ सेकंड बिट चेंज है, तो सेकंड बिट चेंज की वजह से इसमें क्या होगा कि हमारा वन और फाइव का पेयर बन जाएगा। उसके बाद वन और सिक्स की कंपेयर करें तो वन और सिक्स में दो बिट्स चेंज है, उसका हमारा ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद वन और नाइन को कंपेयर करेंगे, वन और नाइन में भी हमारी सिर्फ एक बिट चेंज है फर्स्ट बिट, बाकी सारी हमारी सेम बिट है, तो हमारा वन और नाइन का ग्रुप बन जाएगा। सेम लाइक हमारा वन और नाइन का ग्रुप बन जाएगा, और जो बिट चेंज है वहाँ पे हम डैश लगा देंगे। उसके बाद हम टू और फाइव को कन्वर्ट चेंज करेंगे, तो इसी तरह करते करते हम सारे इनके कंपैरिजन करेंगे। आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो ये हमारे ग्रुप वन में ये वाली पेयरिंग आ जाएगी। सेम लाइक हमने नेक्स्ट पेयरिंग करनी है, अब आपको समझ आ गई होगी कि पेयरिंग कैसे करनी है, तो आपने इसी तरह पेयरिंग करनी है। अब हमने ग्रुप टू में सारी हो गई, उसके बाद फाइव को 13 से मैच करना है ग्रुप टू में, ये सारी पेयरिंग होगी। फाइव को जब हम 13 से मैच करेंगे तो फाइव में क्या होगा 0101, ये देखें कि हमारी फर्स्ट ग्रुप में वन के साथ फाइव का भी ग्रुप बना, वन के साथ नाइन का ग्रुप भी बना, और फिर टू को कंपेयर किया जब तो टू के साथ सिक्स का ग्रुप बना, और टू के साथ हमारा
फोर के साथ, टू के साथ सिक्स नाइन का ग्रुप नहीं बना, उसके बाद फोर को कंपेयर किया, जब फोर का हमारा फाइव के साथ ग्रुप बना क्योंकि उनकी एक भी, उसके बाद फोर का हमारा सिक्स के साथ ग्रुप बना, जब हमारा ग्रुप टू हुआ तब हमने फाइव को थर्टीन से मैच करना है। तो फाइव को थर्टीन से जब हमने मैच किया तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक बिट हमारी चेंज है, कौन सी, फर्स्ट बिट, बाकी सारी सेम है, तो वहाँ भी हमने डैश लगा दी और इनका कंपेयर किया। उसके बाद सिक्स को थर्टीन से मैच किया, उसका नहीं बना, फिर नाइन को थर्टीन से मैच किया तो उनकी बिट जो है वो एक सिर्फ चेंज है, बाकी सारी सेम है, तो नाइन और थर्टीन का बना। अब हमने ग्रुप थर्टीन, ग्रुप थ्री बनाना है, उसमें अब थर्टीन को हमने फिफ्टीन के साथ मैच करना है, तो उसमें क्या हमारे पास एक ग्रुप थर्टीन और फिफ्टीन, अब हमने नेक्स्ट मैच पेयर करना है। आपको याद होगा कि थर्ड स्टेप में हमने दोबारा से इन्हीं ग्रुप्स की मैच पेयर करनी है। अब हमने क्या करना है, जीरो वन को कंपेयर करना है वन फाइव से, फिर जीरो वन को वन नाइन से कंपेयर करना है, फिर जीरो वन को टू सिक्स से कंपेयर करना है, और फिर जीरो वन को फोर फाइव से कंपेयर करना है, एंड देन जीरो वन को फोर सिक्स से कंपेयर करना है। क्लियर? जब हम ये चीज़ें कंपेयर करेंगे तो फिर हमने ग्रुपिंग करनी है कि जीरो वन को अगर हम वन फाइव से कंपेयर करें तो ये नहीं ग्रुप से चेंज बिट्स होंगी, वन जीरो वन को जब हम फोर फाइव से कंपेयर करेंगे तो जीरो 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 डैश, और फोर फाइव में है जीरो वन जीरो डैश, यानी सिर्फ जीरो और सेकंड बिट चेंज है, बाकी सारी सेम है, तो हमारे पास जीरो डैश आ गई। क्लियर? ये हमारे पास ग्रुप जीरो आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपना कन्वर्ट उसको कंपेयर करेंगे वन जीरो वन को फोर सिक्स के साथ, उसमें भी हमारी दो बिट चेंज है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट करेंगे जीरो टू को वन फाइव के साथ, और जीरो टू को वन नाइन के साथ, जीरो टू को टू सिक्स के साथ, जीरो टू को फोर सिक्स के साथ। ठीक है, जब हमने इसका मैच किया तो हमारे पास जीरो टू और फोर सिक्स के साथ मैच हुआ, जीरो टू जीरो जीरो डैश जीरो और फोर सिक्स में जीरो वन डैश जीरो, यानी सिर्फ सेकेंड बिट चेंज है, तो हमारा इसका भी एक ग्रुप बन गया। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 04 को कंपेयर करेंगे 15 के साथ, 04 को कन्वर्ट करेंगे 19 के साथ, 04 को कन्वर्ट करेंगे 26 के साथ, 04 को करेंगे 45 के साथ, और 04 को ही कन्वर्ट करेंगे 4 और 6 के साथ। अब 0 और 4 में कहाँ पे ये हमारे साथ मैच करेगा, 0 डैश 0 0 है, तो ये 15 के साथ ग्रुप बन जाएगा 0 डैश 01, सिर्फ एक बिट लास्ट बिट जो है वो हमारी चेंज कर रही है, तो हमारा इसके साथ पहला जो वो हमारे इसके साथ कंपैरिजन होगा तो मैच पेयर होगा 04 और 15 के साथ। ठीक है, 04 और 15 में क्योंकि ये आएगा 0 डैश 0 और फिर डैश, क्योंकि ये दोनों कंपेयर आपस में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये वाली ग्रुपिंग कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट 04 को हम क्या करेंगे 19 के साथ लिखेंगे। पहले हमने कंपैरिजन किया था 01 के साथ, फिर कंपैरिजन 02 के साथ किया था, उसके बाद हमने 04 के साथ कंपैरिजन करना है। तो पहला हमारा कंपैरिजन 04 में है 0415, उसके बाद 04 को 19 के साथ मैच करेंगे तो फर्स्ट बिट चेंज है, सेकंड बिट भी चेंज है, तो दो बिट चेंज होंगी तो वो नहीं होगा। फिर 04 को 26 के साथ मैच करेंगे तो उसमें फर्स्ट बिट सेम है, सेकंड बिट सेम है, थर्ड बिट चेंज है, फोर्थ बिट सेम है, तो 204 और साथ 26 का भी एक मैच पेयर बन जाएगा। ठीक है, पहला 04 और 15 का भी बन गया, उसके बाद 04 और 15 का 26 का नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 04 एंड 200 डैश 01 एंड 0 दो वो चेंजिंग्स हैं, ये ग्रुप हमारे पास जीरो हो गया। उसके बाद इसमें जो नहीं मैच हुआ वो कौन सी है, 19 एंड 26। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट में 15 को 53 के साथ, 15 को 93 के साथ, 13 के साथ, 15 को जो 513 के साथ मैच करेंगे तो 15 का 9 उसके साथ कोई कंपेयर नहीं, 15 का 913 के साथ पेयर बन जाएगा। ठीक है, उसकी एक बिट चेंज है बस, बाकी बिट सेम है। उसके बाद 19 एंड 513 का मैच करेंगे जो कि 19 एंड 913 के साथ भी चेंज है, तो उसके साथ कोई हमारी पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद 26 और 513 के साथ मैच करेंगे जो कि हमारा
चेंज बिट है, ठीक है। उसके बाद हमारी किसके साथ बनेगी, हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट 19 एंड 513 के साथ हमारा पेयर बनेगा। उसके बाद फिर हमारा 26 और 513 को हम कंपेयर करेंगे, 26 एंड 913 को कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे जिसके साथ हम पेयरिंग करेंगे। और इस पेयरिंग में क्या होगा, अब ये देखें कि साथ साथ हमने ये भी देखना है इसका वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। ये जब डैश लगाएंगे, डैश का मतलब है वो कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए 26 है, तो उसकी हमने अगर बुलियन एक्सप्रेशन लिखा तो ए 0 है तो ए प्राइम, बी कुछ भी नहीं है, सी 1 है तो सी लिखा, और डी प्राइम 0 है तो वो प्राइम को शो करेगा। और 13 और 15 जो है हमारे पास लास्ट में ए बी और सी कुछ भी नहीं है, और डी 0 जो है वो प्राइम को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है वो सिंपल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे हमने क्या करना है, इन दोनों की ये लिख ली, मैच पेयरिंग कर ली। तो मैच पेयरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इनकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। बुलियन एक्सप्रेशन अब हम देखें कि जो नंबर्स ने जो हमारी ग्रुपिंग हो गई है वो, तो जो नंबर्स रह गए हैं उनको भी हमने लास्ट ग्रुप में लिखना है। फर्स्ट में ए बी सी डी है, 0 में 0 1 4 5 की हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ए प्राइम सी प्राइम, बी और डी है ही नहीं, फिर ए प्राइम डी प्राइम एंड देन ए प्राइम सी प्राइम। 1 में क्या है कि सी प्राइम डी और सी प्राइम डी। जब हमारे पास ये सारी हमने एक्सप्रेशंस इनके लिख लिए, अब हमने क्या करना है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी डोंट केयर्स की। अब हमने दोबारा से के मैप ड्रॉ करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्राइम इम्प्लीकेशन के तमाम इनपुट्स लिख लिए हमने, 1 2 4 5 9 15। अब इसमें 13 और 6 नहीं लिखने, अभी हमने 14 और 6 नहीं लिखने, ठीक है। अब हमने डोंट केयर्स लगाने हैं, कहाँ ए प्राइम सी प्राइम है तो ए प्राइम और सी प्राइम में कहाँ पे 0 1 4 5 और 0 1 4 5 पे हमने डोंट केयर्स लगा दिए, ठीक है। उसके बाद है ए प्राइम डी प्राइम, ए प्राइम डी प्राइम में 0 2 4 6 आ रहे हैं, 0 2 4 6, और हमने 0 2 और 4 6 पे डोंट केयर्स लगा देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0 की जगह 2 और 4, और हमने 6 पे नहीं लगाना, 6 क्योंकि हमारे डोंट केयर में है तो हम 6 को अभी लिखा ही नहीं, तो 6 को हम यूज़ नहीं करेंगे अभी, वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमने स्टार्टिंग में ही इसको एज अ डोंट केयर रखा था। उसके बाद है ए प्राइम सी प्राइम, ए प्राइम सी प्राइम को अब हम जब लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से मैच पेयर हमारे पास आ रहे हैं, 0 4 1 और 5, ठीक है। 0 4 और 1, अब हम ए प्राइम और सी प्राइम 0 1 5, वो हमारे पास वही पेयर्स हैं जो हमारे ए प्राइम और सी प्राइम हम ऊपर कर चुके हैं, तो वो 0 1 4 5 है तो वो हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे सी प्राइम और डी प्राइम। सी प्राइम डी प्राइम में क्या होगा, 1 5 9 13 है, 1 5 9 और 13 डोंट केयर है, वो हमारे पास हो या ना हो उसकी से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद सी प्राइम डी प्राइम दोबारा से वही है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। एंड देन है ए प्राइम सी डी प्राइम, ए प्राइम में 2 और 6 है, 2 और 6 हमारे पास नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, इतना हमारे लिए एसेंशियल नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे कि उसकी नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए बी डी, ए बी डी में 13 एंड 15 है, तो 13 एंड 15, 13 जो है वो हमारी डोंट केयर में है और 15 को हम क्रॉस लगा देंगे, क्लियर। अब जब हमारे पास ये चीज़ें आ गई तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया, हमने मिनिमाइज कर दिया इसको, मिनिमाइजेशन कर दी। अब हमने इन सब की इसके अब सब के थ्रू इसका के मैप ड्रॉ करना है, जिसमें हम देखेंगे कि किस किस की के पेयरिंग हो सकती है। लेकिन सबसे पहले ये लास्ट स्टेप आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा, जहाँ जहाँ जिस कॉलम में एक है हम उसको सर्कल कर लेना, जिस जिस कॉलम में एक ही क्रॉस है उसको हमने सर्कल कर लेना है, ठीक है। जिस कॉलम में सिर्फ एक है और उनको लिखना है हमने, ए बी डी है जहाँ पे एक है, ठीक है, और उसके बाद एक और है जहाँ वो कहाँ पे है, सी प्राइम डी है, जो ए बी डी है वो 15 के कॉलम में है और सिर्फ एक ही डोंट केयर है, इस वजह से हम ए बी डी लिख लेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट में लेना है जो कि 9 के कॉलम में है और वो
सी प्राइम और डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर, जो कि सी प्राइम और डी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे कॉलम नाइन में, और सिर्फ वो एक ही एलिमेंट है एक में, लेकिन उसमें उसके रास्ते में कौन कौन से और अदर एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसके साथ पेयरिंग हो रही है, वन वाला भी आ रहा है और फाइव वाला भी आ रहा है, जबकि ए बी डी में उसके में कोई भी और पेयरिंग नहीं हो रही थी, वो अकेले ही पेयर बन रहे थे उसके, जब हम उसको पेयरिंग कर रहे थे तो उसकी कोई और भी कोई और उसके रास्ते में जब या उसको लिंक नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ और भी लिंक कर रहे हैं जो कि पेयरिंग कर रहे हैं, क्लियर, सी प्राइम और डी। अब हमने क्या करना है, जिस उसकी वजह से जो दो पेयर हुए हैं, ये जो दो एक्स और वन में पेयर हुआ है और एक फाइव में पेयर हुआ है, अब हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है अपने के मैप में, कि के मैप में हम किस तरह इनको रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह हम शो करते हैं कि ये इसको सॉल्व हो, और उसमें डोंट केयर का क्या रोल होगा कि हमने आखिर ये प्लस डी जो 13 और 6 है इसको क्यों यूज़ किया है, इनको हमने इनपुट्स में क्यों नहीं यूज़ किया, और अगर इनको अलग यूज़ किया है, इनका मकसद बेटा ये होता है कि जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो कहीं पे हमें पेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे 13 और 6 जो हैं वो डोंट केयर भी यूज़ कर सकते हैं हम, दिस इज मिनिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। अब ये देखें कि ये वाली अब इसमें देखें पेयरिंग जो उन्होंने की है, उसके बाद जो था 2-2 का पेयर जो रह गए थे उनकी पेयरिंग की है, ए प्राइम प्लस ए सी प्राइम डी लिखा है प्लस ए प्राइम डी भी लिखा है क्योंकि उसकी भी पेयरिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद किसकी पेयरिंग हो रही है, इसके अलावा कोई और मिनिमाइजेशन के ए बी डी एक हमने लिख लिया प्लस सी प्राइम डी लिख लिया और उसके बाद ए प्राइम डी प्राइम लिख दिया। अब हमने ये के मैप ड्रॉ किया, के मैप में हमने क्या किया, वही 0001110 लिखे, ए बी डी है और सी प्राइम डी है और ए प्राइम डी प्राइम है, ये हमारे पास तीनों हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो ये देखते हैं कि हम के मैप में किस तरह इसको लिखेंगे, ये वो लिखने का इसमें सेम वही के मैप का मेथड है कि 0001110, ठीक है, ए बी किस तरफ लिखना है और सी डी किस तरफ लिखना है ये आपकी अपनी मर्जी होती है, कभी आप ए बी को ऊपर भी लिख सकते हैं और कभी आप ए डी। अब वन ए बी डी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी डी रिप्रेजेंट कर रहा है ए 1101 1101, ये कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, 7 को, इट्स मीन कि ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम यहाँ पे पहले 0 है 0 को, फिर 1 को, इनपुट्स को हमने ड्रॉ किया 5 को, एंड देन 9 के कॉलम में 1 लिखा, 4 के कॉलम में हमने 1 लिखा, 2 के कॉलम में हमने 1 लिखा, और उसके बाद है 15। अब यहाँ पे हमने डोंट केयर्स को भी ड्रॉ करना है, डोंट केयर्स को हमने क्रॉस से ड्रॉ करना है, ठीक है, 13 और 6 जो हैं दो हमारे पास डोंट केयर्स थे। अब ये देखें इसमें एक्स क्रॉस लिखेंगे और 6 क्रॉस। अब यहाँ पे देखें कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं पे हमने पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग के लिए हम डोंट केयर को यूज़ कर लेंगे ताकि हम बूलियन एक्सप्रेशंस को हम क्या करें, मिनिमाइज कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकें। अगर डोंट केयर्स ना होंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारी पेयरिंग कम होगी, तो जब पेयरिंग कम होगी तो हमारी सिंप्लीफिकेशन मेथड कम होगा, तो हम सिंप्लीफाई कम से कम कर सकते हैं, इस वजह से ये हमने चीज़ें ड्रॉ की हैं। डोंट केयर्स हैं कि जहाँ पे हमें कहीं ज़रूरत पड़े, इसके होने या ना होने से नहीं फर्क पड़ता, अगर हो तो कुछ फ़ायदा होता है, अगर ना हो तो भी हमारा काम चल सकता है। तो अब हमने देखनी है पेयरिंग की किस किस की किसके साथ पेयरिंग हो सकती है, क्लियर। अब ये देखें कि सबसे पहला ये 0 4 इनपुट है हमारे पास, अब ये 4 की हमने पेयरिंग कर सी, अगर हमारे पास यहाँ पे डोंट केयर ना होता 13 नंबर पे तो हमारा ये क्या हो सकता था, हमारा पेयर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे डोंट केयर का बेनिफिट है, क्लियर, यहाँ पे हमारा डोंट केयर का बेनिफिट है, तो हम इसकी क्या इक्वेशन लिखेंगे, सी प्राइम डी, ऊपर वाली जो है हम चारों वो नहीं लिखेंगे, जब हम 4 का इस तरह ग्रुप वर्टिकल में बनाते हैं या हॉरिजॉन्टल में तो हम ऊपर वाली टर्म नहीं लेते, सिर्फ उसकी पार्टिकल टर्म्स लेते हैं, सी प्राइम डी आ गया, क्लियर। उसके बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा बन सकता है, ये देखें, ये ऊपर को मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल भी दी थी, 2 ऊपर और 2 ऊपर, ये 4 का ग्रुप बन गया, तो ये क्या करेंगे हम अब इस ग्रुप में कि इसमें सी और सी सी ये जो है 0 और 1 ये चेंज हो रहा है, 0 0 डी
प्राइम 00 जो है वो डी चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डी प्राइम लिखेंगे और ऊपर से ए प्राइम लिखेंगे। बी जो है, बी और बी प्राइम 0 हो जाएगा, उसको चेंज नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास एक आ गया ए प्राइम और डी प्राइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये, अब हमारे पास दो ग्रुपिंग होगी। अब हम इसी डोंट केयर को यूज करके एक हमारे पास वन रह गया था, उसकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें 0 और 1 बिट चेंज कर रही है, फ्लिप कर रही है, तो अब ये क्या है, वन वन, तो ये चेंज नहीं कर रही, तो ये वन वन डी रह जाएगा और ऊपर हमारे पास ए बी और डी, ठीक है। अब ये देखें कि हमने सिंप्लीफिकेशन इस, ये हमने डोंट केयर से लगा के देखा के मैप से कि हमारे पास जो हमने निकाली है वो वही हमारे पास है, ऑथेंटिकेट कर लिया है कि जो हमने के मैप के थ्रू फाइंड आउट पेयरिंग करके की है वही हमारी प्राइम इम्प्लीकेशन के थ्रू भी हमारी आउटपुट आई है। तो दोनों को हमने कंपैरिजन करके रिजल्ट देखा है कि दोनों की हमारी सेम आई है, कि के मैप के थ्रू भी हमारी मिनिमाइजेशन वही हुई है और इस मेथड टेबुलर मेथड से भी हमारी इम्प्लीकेशन सेम हुई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, और अब इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ अ टेबुलर मिनिमाइजेशन विद डोंट केयर, ठीक है। इसको हमने जो पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था, ये वैसे तो आपके, मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि आपके कंटेंट में ये आपके फोर्थ वीक में पहला लेक्चर था, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट करवा दिया था, उसके साथ कम था, तो इसी वजह से मैंने इसको अभी करवा दिया है पहले, ठीक है। तो अब इसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है।